हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ भैरव सिंह और आज मेरे पास है कच्चे केले घर पे और चाय टाइम भी हो रहा है, तो सोचा कुछ चटपटा और फटाफट बनाया जाए, वो भी कम तेल में। तो आज मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ बनाना फ्राई। चलिए बनाते हैं। बनाना फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चे केले, फ्रेश लाल मिर्च, अदरक, नींबू, फ्रेश करी पत्ता, काली मिरी पाउडर, चावल का आटा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, खसखस और सरसों का तेल। तो सबसे पहले ये जो फ्रेश लाल मिर्च है इसको इस तरीके से तोड़ के डाल देंगे। इसमें करी लीव खूब सारा और थोड़ा सा अदरक, इतना काफी है। अब इसको बारीक ठेस लेते हैं। देखिए इस तरीके से बारीक कर लें इसको अच्छे से। ये देखिए, चलिए अब हम बनाएंगे मसाला। तो ये जो कूटा हुआ अदरक, मिर्ची और करी लीव्स है, ये सबसे पहले इतना मस्त लग रहा है कि ऐसा लग रहा है इसी में नमक और नींबू डाल के चटनी हो जाएगी ये तो हमारी। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, मिला लेते हैं। मिला हुआ है। इसके अंदर जो है फ्रेश नींबू, सीड्स निकाल लेंगे इसके थोड़े। मिलाना अच्छे से। हमारा मैरिनेशन तैयार है, अब बनाना स्लाइस कर लेते हैं। चलिए बनाना स्लाइस को मैरिनेट कर लेते हैं। अभी ये देखिए हमने चित्ते काटे हैं थोड़े, मिला लेते हैं। और ये जब भी आप बनाएं एकदम फ्रेश काट के बनाएं, इसको पहले काट के नहीं रखें क्योंकि ये काले पड़ जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से मसाला अच्छे से लगा लें सबको ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए और खाने में मज़ा आ जाए। वाह क्या खूबसूरत लग रहे हैं ये बनाना। ये देखिए अच्छे से मैरिनेट हो गए। अब इसको वापस आप ऐसे ही जोड़ के 10 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि ये मसाला जो है बहुत अच्छी तरीके से बनाना में घुल मिल जाए। ये देखिए 10 मिनट मैरिनेट हो गए अच्छे से। अब इसके अंदर जो इनको सबको ऐसे खोल दीजिए, सबको अलग अलग करना है ऐसे। इसके अंदर जो है चावल का आटा इस तरीके से हल्के हाथ से सारे बनाना के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दे। वन साइड हो जाए तो सबको ऐसे टर्न कर लेते हैं। हमने तवा गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया है। अब इसके अंदर थोड़ी सी खसखस, चलिए अब इसको सेक लेते हैं। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, बस
एकदम स्लो हीट पे रखें इसको। और एक एक करके इस तरीके से जमा लीजिए इसको। अब इसको एक से डेढ़ मिनट के लिए कवर कर दें। वाह, ये देखिए रेडी हो गया। इसको चेक कर लेते हैं, ये बहुत अच्छे से पक चुका है, ये देखिए। और यही फायदा होता है धीमी आंच पे खाने को पकाने का, एक तो पक अच्छे से जाता है और आपको सारे न्यूट्रिशन जो है वो उसी के अंदर बने रहते हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं ये, और जैसे मैंने आपको बोला था ये एज ए टी टाइम स्नैक्स भी आप इसको खा सकते हैं। स्टेपल तो है ये दाल राइस के साथ, और आप वैसे भी स्टार्टर के तौर पे खा सकते हैं इसको। और ये साइड डिश बड़ी फेमस है, ये देखिए सारे टन हो गए। अब फिर से इसको आधे मिनट के लिए पकाएंगे कवर करके। तो देखिए आधा मिनट हो गया इसको, ये बहुत अच्छे से पक गए। अब इसको जो है ऐसे ही पकाना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए और खाने के लिए रेडी। इस तरीके से हम इसको अगर थोड़ी देर तेज आंच पे रखेंगे तो ये एकदम करारे हो जाएंगे। चलिए बनकर तैयार है, अब इसको कर लेते हैं सर्व।